कहाँ? मुंबई। क्या परेशानी है आपको? रेटिना पिगमेंटेशन और मैकुलर डिजनरेशन। 8 साल से आपको मालूम पड़ा कि आपको रेटिनाइटिस पिगमेंट के बॉम्बे जैसी सिटी में हताश होकर आया था? हाँ, मैंने भी सोचा कि बॉम्बे से उज्जैन आ रहेंगे, फिर मैंने नेट के ऊपर ना चेक किया, कई लोगों को फोन करके पूछा कि भाई ये डॉक्टर ऋषभ जैन उज्जैन में है, ऐसी सी बात है, तो बोले कि हाँ है, ये इलाज करते हैं ऐसा। और यहाँ मैं कई लोगों से भी मिला, कलकत्ता के, मद्रास, यूपी के, राष्ट्र के भी। विदेश का पेशेंट भी आया आपके? ये कोरिया से भी आया था, नेपाल से भी आए हुए हैं 2 व्यक्ति, कलर ब्लाइंडनेस की, उसको फर्क पड़ा है, लेफ्ट आई में सेंट्रल विजन का कम हो गया। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण आसपास की नजर भी कमजोर हो गई। फील्ड चार्टिंग आपकी है, पाइप के अंदर से अपन देख रहे हैं, वैसा दिखाई देता है आपकी राइट आंख से। हाँ। तो कौन से हॉस्पिटल में गए थे? शिवम हॉस्पिटल में, डॉक्टर रामचंदानी ने। बरेली में कौन से डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर MS बासु। उससे कुछ फायदा पड़ा क्या आपको? तो इतना कुछ फायदा नहीं हुआ। इस पिगमेंटोसा का आपने इलाज पूछा था बॉम्बे वाले डॉक्टर साहब से? हाँ। क्या बोला उन्होंने? कहीं पर भी नहीं है इसका। और मैकुलर डिजनरेशन का? उसका भी नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस, उसका भी कोई इलाज नहीं है। बस विश्व में एक ही डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं इस चीज का। हाँ। जो इन तीनों बीमारियों से आपको निजात दिलाएंगे वो है डॉक्टर ऋषभ जैन। को डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में मालूम कैसे पड़ा? यूट्यूब से आपने वीडियो देखा? हाँ। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का? हाँ। और आपने डॉक्टर ऋषभ जैन से कॉन्टेक्ट किया? हाँ। बेस्ट ऑफ लक। इट्स अ प्रॉब्लम दैट कांट बी क्योर्ड। डॉक्टर ऋषभ जैन इस तरह के हर मरीज को मदद कर रहे हैं, अनेकानेक असाध्य बीमारियों का इलाज कर रहे हैं और उनमें रोशनी बढ़ा रहे हैं। आपकी राइट आंख का विजन चार्ट है। फर्स्ट डे आप यहाँ आए थे, कितना दिखाई पड़ रहा था? सेंटर का थोड़ा सा क्लियर दिखता था। आज आपने ये जो दिखाया फर्स्ट कोर्स के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, ये दर्शाता है कि आपके पर्दे में भी फायदा आना शुरू हुआ है। राइट हैंड साइड पे जगह पर आप लोअर साइड पे भी 100% विजन इम्प्रूव किए हैं। रेस्ट एरिया में आपकी जो ओरिजिनल विजन थी, उस विजन थी, उसमें करीब करीब डबल का फायदा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये भी मालूम पड़ गया है कि आपको राइट आंख में भी मैकुलर डिजनरेशन है। रिचुलेशन काफी इम्प्रूव किए हैं आप। अब आप दुनिया के लोगों से, देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैकुलर डिजनरेशन पे कलर ब्लाइंडनेस भी ट्रीटमेंट है, यदि वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ में है तब भी। हाँ। तो आप लोगों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? आपके घर में, आजू बाजू में, या कई पहचान वाले में, या कई दोस्त को, तीनों में से कोई भी बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को है और वो हताश हो गया है अपनी जिंदगी से और अंधत्व की ओर बढ़ता चला जा रहा है, तो वो हताश ना हो, आज करा के वो ठीक हो सकता। पूरे वर्ल्ड ला सांगते जन्ना कोणना कळेल, जन्ना कोणत्या मुलांना असेल, मुलांना मुलींना हा आजार, त्यांनी उज्जैनला डॉक्टर ऋषभ जैन कडे येऊन इलाज करावा। विश्व में एकमात्र दवाखाना है जो डॉक्टर ऋषभ जैन का, गोपाल मंदिर के सामने उज्जैन में, विश्व की असाध्य बीमारियों को साध्य कर रहे हैं। लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। यानी आंख होते हुए कोई आदमी सूरदास होते जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के डॉक्टरों ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, उस बीमारियों में भी कुछ हो सकता है। हो सकता लोगों है। को क्या कहना चाहेंगे? क्या मैकुलर डिजनरेशन और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में रोशनी बढ़ सकती है? हाँ, बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा सब्र चाहिए। सकता है। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, जैन नेत्र चिकित्सालय।